मंच पर आसीन हमारे साथ हमारे अध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार जी, हमारे पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह जी, गिरिराज भार्गव जी, अरविंद धाकड़ जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष महेंद्र किरार जी, द्रगपाल सिंह जी, देवेंद्र किरार जी, रक्षित सिंह जी, सुमेर सिंह जी, मंच पर आसीन हमारे मंडल अध्यक्ष दीपक मीना जी, गिरिराज किरार जी, नारायण किरार जी, विठल मीना जी, राजा राम यादव जी, कैलाश धाकड़ जी, पप्पू धाकड़ जी, रामस्वरूप मीना जी, हेमराज मीना जी, कैलाश पटेल जी, इंदर मीना, हरेंद्र सिसोदिया जी, भगवान सिंह धाकड़ जी, बालू सहरिया जी, बांगीलाल जी सरपंच, गिरिराज सतरिया जी, श्याम यादव जी, शिवचरण जी सरपंच, बल्लू जनपद सदस्य दामोदर, हमारे पुरुषोत्तम मीना जी सरपंच, और हमारे इतनी सुंदर तरीके से बोली मेरी चंदा बैरागी, जिन्होंने नारी शक्ति की भावनाओं को सबके समक्ष रखा, और सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए इस सुंदर शीतल शाम में जागर में उपस्थित मेरी समस्त जनता जनार्दन, नहीं मेरे उस परिवार के सदस्यगण जहां मौजूद, मेरा रिश्ता बमोरी से, मेरा रिश्ता जागर से, मेरा रिश्ता आपके साथ एक हृदय का संबंध है, एक परिवार का रिश्ता है। ये वो बमोरी है जिस बमोरी को मेरे पूर्वज माधव महाराज ने बसाया था। जब शिवपुरी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, ग्वालियर स्टेट की, गुना एक मुख्य केंद्र था, और बमोरी में सभी समाजों को मिलाकर एक आध्यात्मिक केंद्र शक्ति का बनाया गया था, तो वो मेरे बमोरी को बनाया गया था। निहाल देवी माता का मंदिर है। अभी रामनगर से आ रहा हूं, भगवान राम की नगरी से, पार्वती नदी, और उस पार लक्ष्मण जी की टेकरी, उधर लक्ष्मण जी की टेकरी और इधर राम जी की नगरी। निहाल देवी मैया की एक एक केंद्र ध्यान का, अध्यात्म का, एक एक समाज पूरे देश का मेरे बमोरी में स्थापित हो चुका है मेरे भाइयों ने। और इस बमोरी को जब 2002 में मैं आया था, पहली बार जब आपने मेरा ढाढ़स बढ़ाया, मेरी ऊर्जा को बढ़ाई, जब इस बमोरी का मैंने दौरा किया, एक तरफ गुना से म्याना तक, दूसरे तरफ गुना से उमरी सिरसी होते हुए मार्की मऊ, फतेहगढ़, बिशनवाड़ा, रामनगर, उकावर, झागर होते हुए समूचे साइड की पट्टी, उस समय गुना से अगर मुझे फतेहगढ़ पहुंचना पड़ता था तो मुझे 5-5, 6-6 घंटे लगते थे, क्योंकि सड़क नाम की कोई चीज नहीं होती थी, हम तो पगडंडी पे गाड़ी चलाते थे। याद है कि नहीं? पहली मांग उठी थी कि सिंधिया जी, गुना से उमरी सिरसी की सड़क 30 करोड़ से हमने वो करवाई, फिर निहाल देवी अनारत बिशनवाड़ा की सड़क, उसके बाद
गोरस पाड़ोन गुना गोरस पाड़ोन राजस्थान बॉर्डर तक की सड़क, वो क्षेत्र जोरी का जहां सबस्टेशन मैंने डाला था वो तो काला पानी क्षेत्र कहलाता था। ना राजस्थान से कोई शादी का न्योता आता था, ना गुना से कोई शादी का न्योता आता था। वहां सड़क बनाने के बाद, एक एक तालाब बनाने के बाद आज पंजाब बन गया है मेरे भाइयों। सड़कों का जाल बिछाया, म्याना से महुकान से खोकर की सड़क, म्याना से नई सराय से वजीदपुर शाडोरा तक की सड़क, अशोकनगर विधानसभा तक, एक एक चप्पे को मैं जानता हूं, क्योंकि एक एक चप्पे पर मेरा खून और पसीना टपका है मेरे भाइयों। विकास और प्रगति का ये सफर मेहनत और मशक्कत का सफर रहा है, और मेहनत का मशक्कत का सफर रहा है क्योंकि आपका प्यार आपका आशीर्वाद सदैव सिंधिया परिवार के साथ रहा है। सड़कों का जाल बिछा, सड़कों के जाल के बाद हमारे किसानों को पानी की किल्लत थी, चाहे वाड़िया नाला हो जिसकी नहर की मांग अब की जा रही है, वो नहर भी मैंने बनवाई थी 10 करोड़ की, पहले नहर ही नहीं थी। ऐसा टोरी मार की मऊ कारके की मऊ दत्याबान श्यामपुर सामर सिंगा पूरे तालाबों की श्रृंखला इस क्षेत्र में बनाई। अगर माधव महाराज ने मेरे पूर्वज ने तालाब आपके लिए बनाए, अगर उनका वंशज मैं हूं, मेरा दायित्व तो नहीं धर्म बनता है आपके लिए। तालाबों की श्रृंखला बन चुकी, और जब अमृत का पानी एक एक खेत में आया, जो काली माटी होती थी उसमें भी हरी भरी हुई फसल उगने लगी, मेरे किसान के चेहरे पर मुस्कान आया, सिंधिया परिवार के दिल में भी खुशी आ गई मेरे भाइयों। सड़क बन गई, तालाब आ गया, पर लाइट बिल्कुल कुल। अब तो बल्ब कहते हैं बल्ब, पुराने जमाने में कहते थे लट्टू, और लट्टू में वोल्टेज टिप 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 समाप्त। ग्रामीण विद्युतकरण योजना में 100 करोड़ का लेके आया गुना के लिए, एक एक खंभा जो आपको झागर में आज दिखता है, एक एक तार, एक एक सबस्टेशन, एक एक डीपी मेरे मेहनत और मशक्कत से मैंने आपके लिए, चाहे इमजरा का डीपी हो, सेंधवा का डीपी हो, रामनगर का डीपी हो, विसोनिया का डीपी हो, एक एक डीपी, एक ब्लॉक में एक ही डीपी अलाउड है। मैंने तो बौछार कर दी, जितने डीपियां इन्होंने मांगी थी उससे 5 गुना ज्यादा मैंने सबस्टेशन लगवा दिया। डीपी नहीं सबस्टेशन, सॉरी, डीपी तो कल और परसों मिल जाती है, सबस्टेशन 5-5 करोड़ का, एक एक सबस्टेशन 5-5 करोड़ का, पूरे क्षेत्र में खंबे, आदिवासी मजरी टोले में खंबे और तार। और आज अगर मेरा नाम ज्योतिरादित्य है तो ज्योति का प्रकाश जागर में भी आ जा रहा है। बिजली सड़क पानी स्वास्थ्य की सेवा की कठिनाई थी, आज पिछले 4 सालों में जब डबल इंजन की सरकार आई है, प्रभुराम चौधरी जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री होते थे, बमोरी के लिए
एक एक गांव में भी स्वास्थ्य का केंद्र लगवाया है। अगर मैं लिस्ट पढ़ूं उप स्वास्थ्य केंद्र का, बिसोनिया में, खड़ेला में, गिलीखेड़ा में, हरिपुर में, मोहद्रा में, कलोरा में, सिरसी में, सिलावटी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, मार्की मऊ में, म्याना में, जागर में हमारा प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र, खेरी खता में, कराखेड़ा में, भदौरा में, एक एक जगह में। और सीएम राइस स्कूल एक नहीं लेकिन तीन तीन ये लेके आए थे जब ये मंत्री थे क्षेत्र में, बमोरी में, फतेहगढ़ में और म्याना में। डिग्री कॉलेज बन रहा है, गुना में जाओ तो बाईपास बन चुका, ग्वालियर से शिवपुरी से गुना से देवास तक 6 लेन का हाईवे 5,000 करोड़ का मेरे आप लोगों के लिए बना रहा। हरिपुर ग्राम में ये बैठे हैं, लुम्बा जी खड़े हैं, FDDI सेंटर जो चंडीगढ़ में और रोहतक में लगता है, फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार का 100 करोड़ का ग्राम हरिपुर में मैंने लगा के खड़ा कर दिया। तो विकास और प्रगति के सफर पर मेरी बमोरी निकली और संकट के समय में जब कोरोना काल आया था, मैं अस्पताल में था, राजमाता साहब अस्पताल में थी, 60% फेफड़े हमारे प्रभावित हो गए थे, तब भी यहाँ से फोन आ रहा था मुझे, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है, वायु सेना का बड़ा प्लेन ग्वालियर बड़ा बुला के, पीछे कैसे गाड़ी की डिक्की होती है, डिक्की खुलवा के उसमें ऑक्सीजन का पूरा टैंकर ठोस के रांची भेजकर ऑक्सीजन भराकर ट्रेन पर डालकर ग्वालियर लाकर गुना और बमोरी में ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने वितरित करवाया था। जब बाढ़ आई थी 2022 याद भी दिला दूं, गुना शिवपुरी अशोकनगर ऐसा लग रहा था कि पूरी सिंध और चंबल नदी निकल रही है शहर में से। तुम्हारे यहाँ से नहीं निकली, गुना से निकली, क्षेत्र से निकली, जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था तब विकास हुआ है यहाँ। हाँ सुन लो, बुजुर्गों से सीख लो, सांडो गांव में रामनगर के पास सोडा गांव में 150 लोग पेड़ के ऊपर टंगे हुए थे, वायु सेना का हेलीकॉप्टर लेके मैंने बचाया था, सीख लो लोगों से मुंह खोलने के पहले। सावर सिंगापुरी धस गई थी, जागर में मैं आया था, एक एक दुकान एक एक घर डूब गई थी, अगर कोई बचाने के लिए आया तो वायु सेना का विमान मैंने भिजवाया था, हेलीकॉप्टर उड़न और उसके बाद कोरोना काल, बाढ़, अभी जब ओलावृष्टि हुई, 5 किलोमीटर लंबी पट्टी, 85 किलोमीटर लंबी, शांत हो जाओ, गुना से अशोकनगर निकलते हुए, चंदेरी निकलते हुए, पिछोर, करेरा तक, नरवर तक, शिवपुरी से 25,000 किसान प्रभावित हुए, 150 गांव प्रभावित हुए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोहन यादव जी और उनकी सरकार को, 48 घंटे के अंदर पटवारी, तहसीलदार और कलेक्ट्रेट खलियान में और गांव के खेत में पहुंच गया, मूल्यांकन किया और 48 घंटे के अंदर मैं दौरे पे आया और एक एक किसान को अपनी प्रशासनिक स्वीकृति पत्र मुआवजा राशि के लाखों के रुपए का हमने हाथ से दिलवाया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपके सुख के समय में, जब आपके घर में शादी हो रही हो, हर्ष और उल्लास की आवाज गूंज रही हो,
उस आवाज में अगर मैं आपके साथ ना हूं, लेकिन दुख का समय कभी भी मेरे क्षेत्र में आया हो, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा। और आज इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को हमें मजबूत करना है। जिस प्रधानमंत्री ने भारत का झंडा विश्व पटल पर उजागर करने का काम किया है, जिस प्रधानमंत्री ने 500 साल का सपना कई पीढ़ियों ने कुर्बानी दे दी, राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के मंदिर में करा दिया, मेरे भाई और बहनों बोलो मेरे साथ, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र भगवान की, असंभव को संभव कराने वाला व्यक्ति। एक एक देश के मिशन को पहचानने वाला व्यक्ति, 140 करोड़ जनता को ज्ञान के रास्ते पे ले जाना वाला व्यक्ति। ज्ञान मतलब गरीब के लिए, या युवा के लिए, अन्नदाता के लिए, और ना मेरी चंदा नारी शक्ति का आगे चंदा आ गया। प्रधानमंत्री जी ने तो संसद में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए कर लिया है, आने वाले समय में चंदा जैसी महिलाएं भी संसद में पहुंचकर देश का मार्ग प्रशस्त करेंगी। इस ज्ञान के आधार पर 80 करोड़ गरीबों के लिए राशन मुफ्त में दिलवाना कोई अमेरिका और फ्रांस और इंग्लैंड ने नहीं किया, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करवा दिया। 5 साल और चलेगा, 2029 तक एक एक व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। जहां गरीब कल्याण अन्न योजना है, वहां प्रधानमंत्री आवास योजना है। जहां देश के अंदर 65 वर्षों में केवल 3 करोड़ घर बने थे, 5 साल 10 साल के अंदर 4 करोड़ घर प्रधानमंत्री ने बना दिया है, और आने वाले 5 साल में 3 करोड़ और बना के हम देंगे। मेरी नारी शक्ति के लिए जो लकड़ी के आधार पर फूंक फूंक कर अपने फेफड़े में 2 पैकेट सिगरेट लेती है, उस नारी शक्ति के लिए गैस का चूल्हा और गैस का सिलेंडर देने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। मेरी कितनी महिलाएं हैं आज जिनके पास उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर है और चूल्हा है। हाथ उठा के रखो, आज आपके पास गैस का सिलेंडर और गैस का चूल्हा है, अगले 5 साल में सिलेंडर हटाकर आपके घर में गैस पाइप के आधार पर प्रधानमंत्री भेजेंगे। 11 करोड़ महिलाओं को देश चूल्हा और सिलेंडर, वही महिलाओं के लिए शिवराज सिंह जी ने शुरू किया, मोहन यादव जी आगे ले जा रहे हैं, लाडली बहना योजना। मेरी कितनी लाडली बहना है, 1250 मिल रहा है खाते में हर महीना आ रहा है, कोई बीच का काटने वाला तो नहीं है जेब कतरी? क्यों नहीं है मालूम है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने सारे जेब कतरों का जेब ही काट दिया है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और अगर मैंने सरकार ना बदली होती 2020 में तो लाडली बहना न आती। ये 1250 वो जोड़ी दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के पॉकेट में चला जाता। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, 11 करोड़ किसानों के खाते में 6000 रुपया केंद्र से आ रहा है। कितने लोगों को यहाँ किसान सम्मान निधि मिल रहा है? 6000 रुपए केंद्र से, और
अगर मैंने 2020 में सरकार न बदली होती तो 6000 रुपया आपको मोहन यादव जी के और शिवराज सिंह जी के हाथ से नहीं आती। आज 12000 रुपया आपके खाते में आ रहा है कि नहीं? हर साल ठीक किया कि नहीं मैंने सरकार बदल के? तो आज मेरे भाई और बहनों, अगर इस प्रगति और विकास की श्रृंखला को आगे ले जाना है, अगर प्रधानमंत्री के हाथों को हमें मजबूत करना है, अगर देश के झंडे को, तिरंगे को विश्व पटल पर उजागर करना है, ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये मां भारती का विकास का मार्ग प्रशस्त करने की लड़ाई है मेरे भाई और बहनों। तो बोलो मेरे साथ, प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करोगे? करोगे? 7 मई को कमल के फूल के बटन को दबाओगे? 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 कैसे दबाओगे? ठका 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 चंदा का भी ठका ठका ठका। बोलो मेरी महिलाएं, ठका ठका ठका। अब हाथ उठाओ सब लोग। 7 मई को एक भी वोट ना छूटे जागर का, और कमल का फूल बनाओ, ऐसे गोल बनाओ, सभी लोग गोल बनाओ, सभी लोग यहाँ गोल बनाए, यहाँ सब एक टी शर्ट में चलो गोल बनाओ, गोल बनाओ, आ गोल बनाओ, और बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, मोदी जी का साथ, आपका विश्वास, मेरा प्रयास, और आप और हम मिलकर करेंगे गुना का कई गुना विकास। गुना गुण मनाएगा, बोलो मेरे साथ, गुना 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 गुना। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।